राहुल yes. आप बंगलोर से आए हैं और वेद के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. आप आईआईटी में थे जी और आईआईटी में जाना हमारे इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए सपना होता है कि आईआईटी ला जायचा है भाई इन मराठी आईआईटी में जाना है इन हिंदी. तो ये प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल राष्ट्रपति सुवर्ण पदक कैसे मिला आपको, क्यों मिला? प्रेसिडेंट गोल्ड जो मेडल जो अवार्ड होता है वो मतलब एक स्टूडेंट को मिलता है जो एक ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस में जिसने ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो. uh-huh. उसमें जैसे मेनली एकेडमिक्स हो गया आपका पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे कोई बाकी दूसरे एक्टिविटीज़ हो जो कॉलेज में बच्चे करते हैं. तो एक ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस के लिए आपको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल दिया जाता है. तो आपके परफॉर्मेंसेस क्या क्या थे? जी तो परफॉर्मेंसेस में जैसे सबसे पहले एक था पढ़ाई, दूसरा आई थिंक स्पोर्ट्स मेरा एक मेन एक्टिविटी थी कॉलेज में. आईआईटी में क्या होता है, एक इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट एनुअल इवेंट होता है. तो जितने भी अब तो 16-17 उससे भी ज़्यादा आईआईटीज हैं, तो सारे आईआईटीज एक साल जैसे एक डिफरेंट आईआईटी होस्ट करता है ये पूरा इवेंट, एंड सारे आईआईटी से लोग ट्रैवल करके इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट में खेलते हैं. ये बहुत प्रेस्टीजियस इवेंट है आईआईटीज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है आईआईटी के बीच में, एंड लोग ट्रैवल करते हैं पूरे इंडिया से एक आईआईटी में आते हैं. तो इसमें मैं लकी था, मैं 3 स्पोर्ट्स में खेला, अपना आईआईटी रुड़की को रिप्रेजेंट किया. एक था टेनिस, लॉन टेनिस, वो मेरा मेन स्पोर्ट था. देन एक है स्क्वाश, जो एक अंदर का गेम होता है, 4 दीवारों के बीच में खेला जाता है. और लास्ट था वाटर पोलो, जो स्विमिंग खेलते खेलते आपको फुटबॉल की तरह गोल मारना पड़ता है लेकिन पूल में. तो ये 3 स्पोर्ट्स में मेरा पार्टिसिपेशन रहा, एंड फॉर्चुनेटली हम काफ़ी गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स आईआईटी रुड़की के लिए लाए इसमें. आईआईटी का सपना जब लोग देखने लगते हैं ना विद्यार्थी, तो 8वीं 9वीं 10वीं से ही देखने लगते हैं जी, और फिर वो कहते हैं कि अभी जेईई देना है, फिर क्लासेस को जाना है. एक खेल तो नहीं खेलते लोग, आप 3-3 खेल कैसे खेले? आई थिंक इसमें मुझे याद है आईआईटी में अभी भी काफ़ी मेहनत तो लगती थी इसमें बहुत, क्योंकि मुझे याद है जब जब मैं 3 स्पोर्ट्स मैनेज करता था तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग से शुरू हो जाता था स्पोर्ट्स का, क्योंकि वो दिसंबर में हमारा इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट होता था, तो जुलाई से ही बिल्कुल हर दिन रेगुलर प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी. तो मुझे याद है मेरा टाइम टेबल जैसे सुबह मॉर्निंग तो क्लासेस होती थी हमारे आफ्टरनून तक 3-4 बजे तक, उसके बाद 4 बजे मैं स्टार्ट करता था अपना स्पोर्ट्स का, तो 4 से 5:30 मैं टेनिस खेलता था, फिर 5:30 से 7 मुझे स्क्वाश प्रैक्टिस जाना पड़ता था, और फाइनली 7 से 8 मुझे स्विमिंग पूल जाना पड़ता था वाटर पोलो प्रैक्टिस. अच्छा, पढ़ाई कब करते थे? तो पढ़ाई एक्चुअली आईआईटी में हम लोग ये कहते थे कि अगर आपने क्लासरूम में ध्यान दे दिया है तो आपका ऑलरेडी 70-80% पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाती है. ये आदत आपको बचपन से थी, यानी ये वाली कि पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेल वाली आदत? जी यस. तो मेरे फादर इंडियन आर्मी में हैं अभी भी, वो ही इज़ अ कर्नल इन द इंडियन आर्मी. तो आई थिंक ये जो स्पोर्ट्स का पूरा कल्चर था वो मतलब फैमिली के वजह से काफ़ी शुरू हुआ. अच्छा. बचपन में जब मैं 10 साल का था तो मैं चंडीगढ़ में एक अकेडमी, लॉन टेनिस अकेडमी में गया था. वहाँ पे एक्चुअली बचपन से सिर्फ मेरा स्पोर्ट्समैन बनने का ही सपना था उस टाइम पे. काफ़ी हमारा एक ओलंपिक्स प्रोग्राम था, तो इंडिया में कुछ 15 बच्चों को सेलेक्ट किया था. मिशन ओलंपिक्स नाम का एक प्रोग्राम था ओलंपिक्स में ट्रेनिंग देने के लिए. तो चंडीगढ़ में जब मैं 10 साल का था तो मैं वहाँ पे गया, वो हॉस्टल लाइफ थी सिर्फ टेनिस फोकस्ड एकेडमी की. तो वहाँ से मेरा पूरा स्पोर्ट्स का स्टार्ट हुआ, प्रोफेशनल कोचिंग स्पोर्ट्स में. बिल्कुल, वो बहुत सीरियस प्रोग्राम था मिशन ओलंपिक्स. तो जब तब से ही है, और मेरे मतलब फादर आर्मी में थे तो हमें सुबह 5 बजे उठा देते थे, और या तो सुबह आप लोग एक्सरसाइज करने जाओ, चाहे बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, या जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स थे. तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे डैड ने बहुत इनक्रेज किया मुझे बाकी एक्टिविटीज़ ज्वाइन करने के लिए, और पढ़ाई भी साथ साथ होती थी, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, बट बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला मेरे फादर के थ्रू. लेकिन फिर वो आईआईटी का सपना कैसे आया सामने? आप काफ़ी होनहार थे जी, आपका सिलेक्शन हुआ था ओलंपिक्स के लिए जी, तो ये आईआईटी कहाँ से आया? तो एक्चुअली जो मैं वापस देखता हूँ टाइम में, आई थिंक ये जो स्पोर्ट्स का पूरा सपना था वो एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा हिल गया
क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा कर रहा था, तो ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम बन गई उस टाइम पे, क्योंकि फिर स्पोर्ट्स, क्योंकि फिर वो दो करियर पाथ चूज़ करने के हो गए. अगर मैं शायद पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा होता तो मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में चले जाता, पर आई थिंक फोकस स्टार्टिंग से पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में था, तो मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा कर रहा था. तो आई थिंक वो होता है कि मतलब पेरेंट्स एकेडमिक्स में ज़्यादा फोकस देते हैं, तो थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट पड़ा. तो पढ़ाई वाली फील्ड कंप्लीट हुई 10th 11th 12th में. सब लोग अपने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो मैंने भी सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स दिए. अब उसमें रैंक्स वैंक्स अच्छे आए. अब IIT का एक्चुअली एक जब IIT में सिलेक्शन हुआ तो पता था ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इसके बाद भी आपके बहुत सारे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं IIT के बाद. तो तभी मतलब जब IIT में हुआ, फिर मैंने अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू रखा है अभी तक. अभी भी टूर्नामेंट्स एंड ऑल खेलते रहते हैं हम लोग, जैसे नेशनल टूर्नामेंट्स हो गए टेनिस में, स्क्वाश में, इन सब में. एज अ करियर चॉइस कम्प्लीटली नहीं दिया मैंने, लेकिन एज ट्रेनिंग एंड टूर्नामेंट्स अभी भी खेलते रहते हैं. अभी भी आप वो तीनों खेल खेलते हैं? जी जी बिल्कुल. क्या बात है, क्या बात है. राहुल, यहाँ IIT का तो एडमिशन हो गया, IIT की पढ़ाई शुरू हो गई, आपने उस दौरान IIT में या कौन से भी कॉलेज में कुछ अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रहती है, तो आपने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप सेल में काम किया और वहाँ पे आपको कुछ अलग अलग एक्सपीरियंसेस आए थे, तो वो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिए. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई या तो वो चाहे वो कंपनी में हो या फिर वो NGO मॉडल में हो, चाहे वो कोई भी मॉडल में हो, बट कोई एक नया जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल का हमारा ये काम था कि हम लोग कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करें ऐसे एक्टिविटीज़ देने के लिए, ताकि वो अभी से ऐसा एक माइंडसेट डेवलप करें ताकि फ्यूचर में जाके वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का एक्टिविटी स्टार्ट करें. इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव हुआ? जी, तो इसमें जैसे मेरा खुद का रोल था कि हम कॉलेज में इसको कल्चर बिल्ड करें एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन जब हम लोग बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट करते थे IIT में, हम लोग बहुत सारे स्पीकर्स को बुलाते थे, ऐसे ही इवेंट्स कंडक्ट कराते थे, बहुत स्पीकर्स को बुलाए, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते थे स्टूडेंट्स के, तो हमें एक उन लोगों से इंटरेक्ट करने का चांस मिला. एंड बहुत पर्सनल लेवल पे, मतलब हम तो क्लब का हिस्सा थे, तो हम तो इवेंट के साइड में भी जाके उनसे बहुत पर्सनली बात करते थे. तो तब जाके ऑलरेडी एक होता है, रोल मॉडल्स दिख जाते हैं आपको, बहुत सक्सेसफुल लोगों से बात करने को मिलता है उनसे, वो बहुत आपको अंदर की बातें बताते हैं कि एग्जैक्टली इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कितने फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं. तो उससे आई थिंक एक बहुत वो आपका एक माइंडसेट बढ़ जाता है, आपको लर्निंग भी मिलती है, आपके सामने रोल मॉडल्स भी आ जाते हैं. तो आई थिंक उसके वजह से मेरा इंटरेस्ट पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में कॉलेज में स्टार्ट हुआ. आप तभी एक कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया और एक मॉडल बनाया कुछ. जी जी जी. वो क्या था? जी, तो एक कंपटीशन था वहाँ पे, अकारा चैलेंज उसका नाम था, पर वो एक सोशल कंपटीशन था कि आपको एक कोई भी सोशल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है. तो रुड़की के सामने बहुत सारे गाँव थे, तो हम लोग पहले गए वहाँ पे सर्वे करने की क्या प्रॉब्लम दिक्कतें हैं लोगों जो फेस करते हैं. तो हमको जो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम फेस दिखी हमको, वो थी वहाँ पे टॉयलेट्स की कमी बहुत ज़्यादा थी. अच्छा. अभी भी ओपन डेफिकेशन अभी भी बहुत ज़्यादा इंडिया में होता है, एंड उस गांव में भी टॉयलेट्स बिल्कुल नहीं थे. एक जो दो टॉयलेट्स थे वो बहुत ही मतलब बस झाड़ के बीच में उन्होंने टेंट लगा दिए थे. तो वो जो हमें प्रॉब्लम दिखी वो बहुत ज़्यादा थी. वहाँ पे जब हमने बात की लोगों से तो सब कहते थे कि ये प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं अभी तक यहाँ पे. तो फिर हमने जब इसमें वापस IIT में जाके वापस रिसर्च किया, बाकी डिपार्टमेंट्स जो कंस्ट्रक्शन में स्पेसिफिकली जो मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से बात करके, तो हमने एक टॉयलेट्स बनाए विलेजर्स के लिए, जो एक्चुअली सिर्फ टॉयलेट्स नहीं थे, वो एक जो पूरा ह्यूमन वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करके वो फर्टिलाइजर और मैन्योर में कन्वर्ट करता था. तो उससे फार्मर्स भी उसी ह्यूमन वेस्ट को, टॉयलेट से जो आता था वो फार्मर्स उसको यूज़ करते थे, तो उसका बिल्कुल डबल बेनिफिट हुआ और हमने ये टॉयलेट्स इंस्टॉल किए विलेजेस में. जी. और इसके लिए आपको वो स्पर्धा में? यस, तो ये कंपटीशन भी एक US अमेरिका का एक कंपटीशन था, तो इसमें भी हमारी टीम को गोल्ड मेडल मिला ये करने के लिए. तो ये इतना सब आप करते थे, खेलते थे, मॉडल्स बनाते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला, तो डिग्री हासिल करने के बाद में आपको तो अच्छी पैकेज वाली जॉब मिली होगी. जी जी. तो फर्स्ट जॉब मैंने एक स्टार्टअप में किया. स्टार्टअप. अच्छा. मतलब बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी अभी बनी है,
जिसमें बस 5 लोग होते हैं, क्योंकि मुझे ये समझना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को छोटे से बिल्कुल बड़ा कैसे करते हैं. ओके तो जैसे बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत लोग उसमें भी जाने का चूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने एक ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली है तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे कंपनी को बनाते हैं वो उतना ज़्यादा सीखने को शायद नहीं मिलता. ओके तो, यानी बहुत बड़े कंपनी में आप गए तो आप एक छोटा पहिया बनोगे उसका. बिल्कुल. लेकिन एक छोटे कंपनी में गए तो छोटे पहिए का बड़ा पहिया कैसे बनता है बिल्कुल वो आपको पता चलेगा. बिल्कुल. इसके साथ में आप एक एनजीओ के साथ भी काम कर रहे थे उस समय. जी. तो जब ये 2015 में मैं पास आउट हुआ कॉलेज से, तो पहले मेरे जॉब्स जो ये स्टार्टअप में मैंने बताया, इसके साइड सोशल जैसे एनजीओज हो गया, सोशल चेंज में काफ़ी इंटरेस्ट था. तो मैं अपने सैटरडे संडे को यूटिलाइज करके जब छुट्टी होती थी तो मैं एनजीओज में एज अ वॉलंटियर काम करता था. तो इसमें सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था बैंगलोर में मेक अ डिफरेंस करके. वहाँ पे मैंने एक एज अ टीचिंग जॉब स्टार्ट किया. मैंने 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मैं 1 साल तक मैंने उनको पढ़ाया था इस एनजीओ के थ्रू. तो ये मैं सैटरडे संडे को पूरे 1 साल कंटिन्यू किया मैंने. इसके बाद भी मैंने बाकी रोल्स लिए. खुद से मुझे एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा था. तो जब मैं जॉब करने लगा तो मैं उस स्कूल में वापस गया. प्रिंसिपल को, मैम को जाके मैंने एक दिन बोला कि मुझे बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है बहुत क्रिएटिव वे में, और मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. तो मैं सैटरडेज को जाता था स्कूल और मैथ्स मैं 12th स्टैंडर्ड बच्चों को पढ़ाता था एक थोड़े डिफरेंट तरीके में, जो मुझे पता था कि जिससे फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होते हैं. ये सब जब शुरू था, यानी जॉब चल रही थी स्टार्टअप में, सैटरडे संडे पढ़ाने का काम कर रहे थे, तो सोच आपकी बदल रही थी, वो क्या था, क्या हुआ? हम जब मैं पहली कंपनी में काम करता था तो जैसे आजकल ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जहाँ पे आप ऑर्डर करके सामान मंगा सकते हैं, वहाँ पे हम भी एक अपनी खुद की ई कॉमर्स कंपनी हमने बिल्ड की थी, जो सिर्फ एक फर्नीचर स्पेस में था, फर्नीचर आपके घर में डिलीवर कराएंगे. तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये कंपनी बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे बनाते हैं. लेकिन उसके बाद भी मैंने एक दो जॉब किए. कहीं ना कहीं क्योंकि मैं एनजीओ में और सोशल चेंज में काम कर रहा था, अपने सैटरडे संडे यूटिलाइज कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे बहुत इंस्पिरेशन मिली. मुझे एक बहुत की रियलाइजेशन ये हुआ कि अभी भी बहुत सबको लगता है कि ये सोशल सेक्टर एनजीओ और एक जो कंपनीज का साइड होता है प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, ये डिफरेंट होते हैं और ये कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से चलते हैं. लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी आप एनजीओ भी चला रहे हैं, आप चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी बिल्कुल सेम स्किल्स यूज़ होती हैं आपकी, जो एक बिल्कुल एक बिजनेस चलाने में आपकी होती हैं, क्योंकि Correct. आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं. बस एक मोटिव डिफरेंट होता है. यहाँ पे पैसा मोटिव होता है कंपनी के लिए, और यहाँ पे एक सोशल चेंज इम्पैक्ट पहला मोटिव होता है. तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो आई थिंक मेरा अंदर से जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट था वो सोशल चेंज और इम्पैक्ट के टूवर्ड्स था. तो धीरे धीरे जब मैं काम कर रहा था, मैं वॉलंटियरिंग भी कर रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें धीरे धीरे बढ़ता रहा. और जो पहले सिर्फ एक दिन का होता था एक्टिविटी सैटरडे संडे को, मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम सोशल सेक्टर में मूव करूँ. तो मैंने फिर अपना जॉब क्विट किया, मतलब बिजनेस साइड से, स्टार्टअप साइड से, और फिर मैं फाइनली एक एनजीओ सेक्टर में काम करना. उसके लिए आपको अशोका फाउंडेशन ने एक प्लेटफॉर्म दिया. जी. वो कैसे मिला आपको प्लेटफॉर्म? जी, इसमें थोड़ा सा रिस्क तो इन्वॉल्व होता है. जब मैंने सबसे पहले जॉब क्विट किया था तो उस टाइम पे मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, मतलब मेरे पास कोई दूसरा जॉब नहीं था. मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता था कि एनजीओ सेक्टर में कैसे काम करेंगे, क्या होगा. बट आई थिंक अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये सब अपने आप से ढूंढ लूँगा. तो स्टार्टिंग 2-3 महीने मैंने ब्रेक लिया. उसी टाइम में मैं ये ढूंढ रहा था बाकी एनजीओ की अपॉर्चुनिटी. तो जहाँ पे मैंने वॉलंटियरिंग स्टार्ट की थी, उसके थ्रू, कनेक्शन के थ्रू मुझे बताया गया कि अशोका एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो लोग हायरिंग कर रहे हैं, एंड उसके थ्रू मुझे कनेक्शन मिला, एंड वहाँ से फाइनली मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया. अशोका ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे हम लोग जो दुनिया में हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, जो सोशल चेंज लाने के लिए लोग काम कर रहे हैं, अशोका उनको फेलोशिप देता था जो लोग काम कर रहे हैं. तो मैं अशोका का एक एम्प्लॉई का हिस्सा था. तो हमारा काम ये था कि हम लोग इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जाके ऐसे लोगों को ढूंढें, उनको मेरा जो जॉब था उनको इंटरव्यू करना था, उनको उनके काम को समझना था, और अशोका की फेलोशिप उनको देने का मेरा जॉब था. ओके. लेकिन ये करते समय
फिर आपके विचार भी बनते गए शायद. बिल्कुल बिल्कुल. एक जो मैंने इसमें बिल्कुल यूनिक सीखा मैंने इन लोगों से, ऑलमोस्ट सब जो ये हम इनको लीडिंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे चेंज ला रहे हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं जब ये छोटे थे अपने टीनेज ईयर्स में, इन्होंने सबसे पहले कुछ ना कुछ अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था. चाहे वो छोटा सा स्कूल में एक नया क्लब लॉन्च करना हो, चाहे वो बेसिक सा अपने घर के सोसाइटी में गार्बेज क्लीनिंग एक्टिविटी हो, या कोई भी इस टाइप का इनिशिएटिव हो जो चेंज लाना चाहता है, इन सब ने बचपन से कुछ ना कुछ स्टार्ट किया था. और इनकी एक मेंटालिटी जो होती है वो इन्होंने अब तब से डेवलप किया, एक जो चेंज मेंटालिटी होती है. तो वहाँ से मुझे एक जो बहुत की इंस्पिरेशन मिली, मेरा खुद का इंटरेस्ट एजुकेशन में था. मैं इससे पहले पढ़ाता था एनजीओ में बच्चों को मैथ साइंस, उसे पढ़ाता था. लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो चेंज मेकर्स हैं टॉप लेवल के, जब इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ऐसे एक्टिविटी स्टार्ट की हैं, तो हमें स्कूल लेवल पे, एजुकेशन सिस्टम लेवल पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे एक्सपीरियंसेस बच्चों को हम लोग क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा मैथ साइंस, जैसे आपने कहा आईआईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एंड वो बहुत एक नैरो फील्ड है जहाँ पे एक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता. तो इसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये सोचा कि जैसे ये जो चेंज मेकर्स थे, इनकी जो चेंज मेकर की आबादी है पूरे दुनिया में वो बहुत कम है. मतलब आप प्रतिशत वाइज देखें तो वो बहुत कम है, एंड कुछ तो आपको मिलेंगे ही जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रहे हैं. लेकिन अगर आज की सोसाइटी में जब प्रॉब्लम्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, वाटर शॉर्टेज है, क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी आने वाला है, तो इतनी जब सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हर एक आदमी एक चेंज मेकर बने. तो ये जो एक विचार था कि सिर्फ कुछ प्रतिशत नहीं, बहुत सारे लोग चेंज मेकर बने, इसके थ्रू मैंने एक चेंज मेकर एजुकेशन नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो एक सब्जेक्ट था जो हम स्कूल्स में जाके पढ़ाते थे. क्या एग्जैक्टली क्या पढ़ाते थे जी? तो इसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसमें छोटों बच्चे जो हमारे, हम टारगेट करते थे 12 13 14 साल के बच्चों को, जो अभी भी बहुत यंग एज में हैं. और इनको हम लोग प्रोत्साहित करते थे कि आप खुद से इनिशिएटिव स्टार्ट करें. आप कोई भी प्रॉब्लम चूज़ कीजिए जहाँ पे आपके, चाहे वो घर में हो, चाहे वो आपके स्कूल में हो, चाहे वो आपके बाकी कम्युनिटी में हो, जो भी आपको सोशल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, आप उसको चूज़ कीजिए और आप उस पर काम स्टार्ट कीजिए उसको एक्चुअली सॉल्व करने के लिए. तो ये हम उनको प्लेटफॉर्म देते थे. हमारा पूरा 3 साल का करिकुलम है जो स्कूल्स में चलता है, और ये ऐसे वन डे एक्टिविटी नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोग्राम है. पर इसमें हम लोग बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो चेंज मेकर का एक एक्सपीरियंस, अनुभव उस टाइम पे करें, ताकि बड़े होके वो, जब बचपन से ही आप में ऐसा माइंडसेट डेवलप होता है तो बड़े होके भी आप उसको कंटिन्यू रखते हैं. आप कोई 2-3 मिसाल दे सकते हैं? जी बिल्कुल. यस, एक्चुअली मैं कुछ लाया भी हूँ दिखाने के लिए आप सबको, जो हमारे बच्चे जो स्कूल्स में हैं वो उन्होंने किया है. तो जैसे ये एक नोटबुक है जो आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर नोटबुक है बच्चों ने बनाई है. लेकिन इसके पीछे बच्चों ने ये कहा कि ये 12 साल के बच्चे हैं एक स्कूल में, इन्होंने ये कहा था कि स्कूल लेवल पे बहुत, एक जब साल ख़त्म होता है तो बहुत सारी नोटबुक्स में कुछ पेजेस बच जाते हैं एंड में, जैसे 10-20 पेज हर नोटबुक में बच जाते हैं. ओके, जो हम लोग रद्दी को दे देते हैं या जो भी करते हैं, एंड उसके बाद वो बहुत सारा पेपर वेस्ट होता है. तो इन बच्चों ने पूरे स्कूल में, एक स्कूल ने नहीं, बहुत सारे स्कूल में जाके, घर में जाके ऐसे नोटबुक्स कलेक्ट किए जो जिसमें अनयूज्ड पेजेस हों, एंड उनको फाड़ के उन्होंने नई नोटबुक्स बनाई हैं. और ऐसा उन्होंने कुछ अभी तक 100 से ज़्यादा नोटबुक्स बना के इनको या तो गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है या लोगों को एक्चुअली बेचा भी है. तो एक छोटी सी आइडिया है. बिल्कुल, एक छोटी सी कल्पना है, छोटी सी आइडिया है. ये बेटर प्लस एजुकेशन क्या है? जी, बेटर प्लस एजुकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो हमने, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने स्टार्ट किया. इसी के अंदर हमारा चेंज मेकर एजुकेशन का जो प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया वो चलता है. तो जब पहले साल मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल में, सिर्फ एक स्कूल में थे हम लोग, मैं अगेन बस 1-2 दिन जाता था, तब मैं फुल टाइम जॉब भी करता था क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट फेज होता है हर आइडिया का. तो तब मैंने जाके एक स्कूल में जब ये किया तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा इनिशिएटिव. तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो अब इसको फुल टाइम करना पड़ेगा. तो तब हमने, जब मैंने अपना अशोका में भी जॉब छोड़ के
जब मैंने बेटर प्लस एजुकेशन फुल टाइम स्टार्ट किया तो वो बेटर प्लस एजुकेशन की स्टोरी है. एंड अब हम करीबन 20-25 स्कूल्स में है इंडिया और श्रीलंका में जहाँ पे हमारा ये करिकुलम चलता है. ये करिकुलम 3 साल का है जी और वो नॉर्मल स्कूल के साथ हो जाता है. जी वो नॉर्मल स्कूल के साथ होता है. ये एज अ एक सब्जेक्ट ही आप इसको मान लीजिए, जैसे आपको मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है वैसे ही एक चेंज मेकर एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट है स्कूल्स में अब. अच्छा, वो 3 साल तक पढ़ाया जाता है जी. विद्यार्थियों में आप क्या क्या चेंजेस महसूस करते हैं? बहुत चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स में एट अ यंग एज अगर वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ करें. जैसे मुझे याद है मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ कॉलेज में जाके हुआ, मैंने कभी बचपन की एज में ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं दिए थे. लेकिन आप खुद सोचिए अगर एक 12 साल का बच्चा कोई इनिशिएटिव देता है, उसको ऐसे घर घर जाके लोगों को से बात करनी है, उसको रिजेक्शन भी फेस होगा, सब लोग नहीं मानते ऑफकोर्स, तो कुछ कुछ सक्सेस होता है, जाके बात करना है, कन्विंस करना है, कुछ बेचना है. ये बहुत सारे जैसे उन्होंने बल्ब्स इंस्टॉल किए वो फ्री में नहीं दिए, क्योंकि हम लोग ये सबको उनको सिखाते हैं कि फ्री में देना इज़ नॉट चेंज मेकिंग. चेंज मेकिंग का मतलब ये नहीं कि आप डोनेशन दें और चैरिटी करें, चेंज मेकिंग मतलब एक बिजनेस माइंडसेट से आप उसको देखें, चाहे वो सोशल कॉज के लिए भी हो. तो बचपन से अगर बच्चे इस इन ऐसा माइंडसेट डेवलप करें, ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट दें, ये बिल्कुल इनवैल्यूएबल होता है. और अभी हम बच्चों को देख रहे हैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बच्चों में आजकल. जो हमारा फर्स्ट बैच था, इवन दो वो हमारे अब करिकुलम से आगे निकल गया है, अभी भी आके वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स देते रहते हैं. सेम बच्चे जिन्होंने हमारे प्रोग्राम से ये दिया था, अब उन्होंने 2-3 नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए हैं अपने दूसरे जगह पे, जो उनका जहाँ पे उनका मन था. तो ये जो है हमने एक बीच में सर्वे किया था, तो करीबन 90% बच्चों ने कहा कि उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं दिया है. और 92% बच्चों ने ये कहा कि अब उनको पूरा समझ आ गया है कि एक इनिशिएटिव को स्टार्ट कैसे करते हैं एंड बड़ा कैसे करते हैं, एंड कि अब वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आए अब वो उसमें एक्शन लेने के लिए रेडी हैं. क्या बात है. इसमें से ही वो कल्पना आई होगी इंटरनेशनल चेंज मेकर ओलंपियाड, वो क्या है? जी तो जब हम ये सब स्कूल्स में करते थे तो हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी बाकी जगह से कि आप हमारे स्कूल में भी आके ये स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये हमको पहले से ये हमें नीड आइडेंटिफाई की हमने कि बहुत सारे स्कूल्स चाहते हैं. तो हमारे जो करिकुलम है वो हमारे टीचर्स वॉलंटियर टीचर्स जो होते हैं जाते हैं वो कंडक्ट कराते हैं. लेकिन अब हम फिज़िकली हर जगह प्रेजेंट नहीं थे. जैसे हमें रिक्वेस्ट आती थी असम से, जम्मू एंड कश्मीर से, पूरे इंडिया से रिक्वेस्ट आती थी. तो हमने ये सोचा कि अगर हम लोग खुद से वहाँ पे नहीं जा सकते तो क्या हम ऐसा एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का, जहाँ पर बच्चे एक टीम्स बनाएँ और एक प्रॉब्लम स्टार्ट करें, इनिशिएटिव स्टार्ट करें, और इनको हम लोग मेंटरशिप दें. और मेंटरशिप हमने ये रियलाइज़ किया कि हम लोग बैंगलोर में बैठे बैठे भी मेंटर कर सकते हैं. आज का टेक्नोलॉजी है, हम लोग बच्चों से हमारे हर अभी इंटरनेशनल चेंज में ओलंपियाड हमने लॉन्च किया कंपटीशन. अब करीबन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हर जगह से उसमें पार्टिसिपेशन है. करीबन 200 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स इस साल बच्चों ने किए हैं, स्टार्ट किए हैं, और उन सबको हम लोग मेंटर करते हैं या तो कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो टेक्नोलॉजी फॉर पॉजिटिव यूज़ कह सकते हैं आप इसको, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको बैंगलोर में बैठे बैठे मेंटर करते हैं. लेकिन इस आइडिया के थ्रू अब हम कहीं पर भी पूरी दुनिया में कोई बच्चा इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहता है तो वो इस कंपटीशन में पार्ट ले सकता है और हम उनको मेंटरशिप दे सकते हैं. यानी कल्याण के समझो आज यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी है वो अगर इसमें आना चाहिए तो वो क्या आपके साइट पे जा सकते हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल. हमारा इंटरनेशनल चेंज मेकर ओलंपियाड जो एक कंपटीशन है वो एनुअल इवेंट है, तो जुलाई में स्टार्ट होता है, वो जून जुलाई में अगले साल अब होगा, एंड 3-4 महीने के लिए चलता है. जैसे आप मुझे पता है सबने मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड पक्का सुना होगा. ये सारे एक दिन के कॉम्पिटिशन होते हैं पेपर पे, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है क्योंकि एक दिन में चेंज मेकिंग नहीं हो सकती है. तो हमारा 4 महीने का टाइम देते हैं हम लोग बच्चों को, उसमें बच्चे खुद से टीम्स बनाते हैं, 4-5 बच्चों की टीम, खुद से आप प्रॉब्लम चूज करते हैं
और आपको तीन चार महीने में उसको एक्चुअली काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है. उसके दौरान हम लोग आपको मेंटरशिप देते रहते हैं. तो अगले साल अगर जो भी यहाँ से भी, मैं आप सबको इनवाइट करूँगा, टीचर्स, पेरेंट्स एंड बच्चे, आप एक दूसरे को इनक्रेज करें, आप इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लें, ताकि आपको एक बहुत अच्छा अनुभव हो चेंज मेकिंग का अगले साल. एंड वेबसाइट पर सारा डिटेल्स हो. दो सवाल है. पहला सवाल यह है कि ये जो आप तीन साल का करिकुलम स्कूल्स में कर रहे हैं, वो सिखाने वाले टीचर्स को आप ट्रेन कैसे करते हैं? जी, तो हमारा एक फेलोशिप प्रोग्राम है हमारा खुद के ऑर्गेनाइजेशन का. जो टीचर्स जाके पढ़ाना चाहते हैं हमारा करिकुलम, तो उनको भी एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आते हैं. हम देखते हैं कि उनका कितना इंटरेस्ट है इसमें, कितना कमिटमेंट है, क्या वो इसमें सही में बिलीव करते हैं. तो जब वो एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं फेलोशिप में, तो वो एक साल के लिए एक स्कूल में प्लेस करते हैं हम उनको, और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है. उनको हम ट्रेनिंग, हम जितने भी टीचर्स हैं हम खुद रेगुलरली मिलते रहते हैं, हम डिस्कस करते हैं करिकुलम कैसा जा रहा है, क्या आगे करना चाहिए, तो उनकी ट्रेनिंग आपस में होती है. दूसरा सवाल ये है कि बेटर प्लस एजुकेशन में अभी आपकी टीम कितनी है? जी, बेटर प्लस एजुकेशन में हमारे टीम डिफरेंट लेवल्स पे है. कुछ फुल टाइम स्टाफ है जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है, उसके बाद पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है, उसके बाद फुल टाइम वॉलेंटियर्स हैं. तो ऐसे बहुत डिफरेंट लेवल पे है. ओवरऑल मिला के तो अभी 50 से ज़्यादा की एक यंग टीम है, मैं कहूँगा, जो इसमें चेंज लाना चाहती है. क्या बात है. आप तो पहले से एक स्कॉलर स्टूडेंट रहे. जी, तो एक स्कॉलर स्टूडेंट को अगर किताबी कीड़ा नहीं बनना है तो उसने क्या करना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें, अपने इंटरेस्ट को कभी छोड़िए मत. क्योंकि जैसे मैं पढ़ाई करता था, मेरे बाकी भी इंटरेस्ट थे, मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं. मैंने अभी, जैसे मैंने अभी तक स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया है. तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, सबसे पहला आप उसको स्टार्ट करें, आप उसको परस्यू करें, और उसे कभी जाने मत दें. क्योंकि एकेडमिक सिर्फ एक चीज़ है, उसके बाद जैसे एक दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी है जो यूजली लोगों को नहीं पता होती है, कि आईआईटी में जाने के बाद भी, ऑफ कोर्स न्यूज़ में आप सब सुनते होंगे कि ये पैकेज मिला, 1 करोड़ का पैकेज मिला, ये वो, बट एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी वैसी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका एक ऑलराउंडेड जो एक डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है. क्योंकि जब आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स चाहिए. आपको अपना टीम वर्क स्किल्स चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको लोगों को समझने का एक इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए. तो ये जितनी सारी स्किल्स होती हैं, ये सब आप बाकी एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं. इसमें एक मुझे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल याद आया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, कि जब भी आप एक पौधे को उगाते हैं और अगर पौधा ख़राब निकलता है बाद में जाके, तो क्या आप पौधे को उगा देते हैं? नहीं, आप देते हैं कि शायद सनलाइट कम होगा, शायद पानी कम डाला होगा, या खेत में सॉइल का कुछ कंडीशंस गलत होगा, तो इसके वजह से प्लांट शायद ख़राब होता है. तो सेम स्टोरी एक स्टूडेंट की भी है. तो स्टूडेंट अगर आपके एक्सपेक्टेशन की जितना वो नहीं परफॉर्म करता है, तो उसमें उसकी खुद की गलती नहीं है. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसका फैमिली का फैक्टर है, स्कूलिंग का फैक्टर है, फ्रेंड्स, ये वो, बहुत सारे इन्वायरमेंट का एक फैक्टर होता है. तो जब भी आप किसी को ये सोचते हैं कि यार ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, उसके बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और उसका आप भी एक हिस्सा हो सकते हैं. बराबर. तो आप ये समझना कि आपको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना पड़ेगा, अगर आपको एक बच्चे की लाइफ को अगर आप चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ता है. आपके पूरे करियर में आपको कभी फेल्योर का सामना करना पड़ा है? जी, फेल्योर्स अगर आप माइलस्टोन में देखें, कि डिग्री प्राप्त की, फिर ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोई सेशन होता है या न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसमें सिर्फ ये साइड दिखाई देती है. इसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा फेलियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग टाइम्स होते हैं. हर डिसअपॉइंटमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग छुपी होती है, कि हर फेलियर में एक अपॉर्चुनिटी है. एंड ये मतलब आपको एक बार एक्सपीरियंस करने से ही समझ आएगा. बेटर प्लस एजुकेशन के आगे के प्लान्स क्या है? जब हम इसका सक्सेस दिखा, तो आई थिंक हमारा फ्यूचर सिंपल है. अभी नेक्स्ट 2-3 साल में हमको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना है. हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 2 साल का है, 5,000 स्टूडेंट्स तक पहुँचे, एंड उसके बाद लॉन्ग टर्म तो पूरी दुनिया में एक्सपैंड करने का प्लान है. तभी नाम भी स्टार्टिंग से इंटरनेशनल चेंज मेकर ओलंपियाड है, और नेशनल चेंज मेकर ओलंपियाड नहीं है.
एक सवाल यह है कि यू आर अ सोशल एंटरप्रेन्योर, तो ये सब चलाने के लिए आप फंडिंग कैसे करते हैं? एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग में भी सोशल सेक्टर में रहने से रही है वो है कि अगर आप एनजीओ चलाते हैं तो सबसे पहले पब्लिक के माइंड्स में ये होता है कि आपको डोनेशन देने पड़ेंगे किसी से, या तो आप इंडिविजुअल से डोनेशन दें या काफ़ी बड़ी बड़ी फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो फंडिंग देते हैं। लेकिन एक तीसरा चैनल है कि आप एक खुद से फाइनेंस करें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब आप खुद जो एक काम कर रहे हैं तो आप उन्हीं से आप खुद से पैसा दें, आप चार्ज कर रहे हैं उनको पैसा अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं, लेकिन अपने बस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ही आप जो काम करते हैं उसके लिए चार्ज कीजिए। और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ आपका फाइनेंशियल जो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, अगर आप खुद से उसको सस्टेन करते हैं, आप बाकी एनजीओ, बाकी फाउंडेशन, बाकी लोगों पर डिपेंडेंट नहीं हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो बेटर प्लस एजुकेशन में भी हमने यही मॉडल अपनाया है, तो हम लोग स्कूल से चार्ज करते हैं करिकुलम के लिए, प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल से हम लोग चार्ज करते हैं, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लो इनकम स्कूल्स पे हम लोग फ्री में करते हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो हमें कि प्राइवेट स्कूल से हमने सर्विस देने के लिए हमने उनसे ये चार्ज किया, एंड फाइनली हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री में डिलीवर किया, जिसे हम बोल सकते हैं क्रॉस सब्सिडी देते हैं। यस बिल्कुल, क्रॉस सब्सिडी। हाँ, तो ये आपका फाइनेंशियल मॉडल है। बिल्कुल, एक रैपिड फायर राउंड देते हैं इनको। पहला रैपिड फायर में है डेफिनेशंस। मैं आपको शब्द दे दूंगा, आपको उसकी डेफिनेशन मुझे देनी है, आपकी डेफिनेशन। ओके, मेरा पहला शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज जो बच्चों को खुद से इंडिपेंडेंटली सोचने की स्किल देती है, दैट इज एजुकेशन। ओके, मनी। मनी एक बस एक टूल और एक माध्यम है अपनी लाइफ जीने का। सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर, जैसे मैंने कहा, ये सेम चीज है, बहुत सेम चीज है, सेम, क्योंकि सक्सेस से पहले आपके चार पांच फेलियर्स पक्का होंगे, तो वो एक्चुअली सक्सेस स्टेप वन, जो फेलियर नंबर वन है वो सक्सेस स्टेप वन है, फेलियर नंबर टू है वो सक्सेस स्टेप टू है, तो ये बिल्कुल सेम चीज है। चेंज। चेंज की आपकी डेफिनेशन? चेंज की डेफिनेशन की बहुत जरूरी है दुनिया में, आपकी खुद की लाइफ में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो दुनिया में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चेंज बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे कुछ नया आपको सीखने को मिलता है, दुनिया उससे बेटर होती है, तो चेंज कांस्टेंट है और चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइफ का डेफिनेशन आपका? एक अपॉर्चुनिटी जिससे हम लोग एक इम्पैक्ट या एक अपना मार्क क्रिएट कर सके दुनिया में। या अपॉर्चुनिटी जिसमें इम्पैक्ट का पोटेंशियल है। जी ग्रेट। और फैमिली? फैमिली इज आपका परमानेंट सपोर्ट सिस्टम, कि चाहे आप कितना भी अप एंड डाउन हो आपकी लाइफ, आपको पता है कि कोई आपके साथ पूरी जिंदगी भर के लिए है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस पूरा कीजिए। जब किसी समस्या में मैं उलझ जाता हूँ तब? जी सबसे पहले अगर उस टाइम आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो तो आपको थोड़ा ऑफ टाइम चाहिए होता है, तो जैसे मेरे स्पोर्ट्स वो है, स्पोर्ट्स या बाकी एक्टिविटीज़, मैं थोड़ा टाइम उसमें स्पेंड करता हूँ। थोड़ा आप कूल डाउन हो जाते हैं तो आप सोचिए वापस कि क्या सही हो सकता है। क्या बात। बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ काम करते हुए मुझे बहुत होप मिलती है फ्यूचर के लिए, कि अब फ्यूचर, एक टाइम ऐसा आ गया था जब हम सब सोचते हैं कि दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा राइज हो रही हैं, आप रिसर्च पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों के साथ काम करके जब ऐसे इनिशिएटिव्स उनके देखते हैं, तो तब हमें मुझे एक पर्सनली होप मिलती है कि अभी भी एक सोल्यूशन है पूरी दुनिया के लिए। वाह, अभी भी एक सोल्यूशन है। मित्रों, हा जो मुलगा राहुल आहे, यानं आपल्यालाच खूप छान शिकवलं असं मला वाटतं, म्हणजे जादूच केली त्याने आपल्याप्रती। जादू म्हणजे काय असतं? तर जादूमध्ये एक प्रकारची अनिश्चितता असते, पुढे काय होणार आपल्याला माहीत नाही, जादूगाराला माहिती असतं, मॅजिशियन को मालूम होता है क्या आगे होगा। येस, जो सामने बैठा है उसको नहीं मालूम होता क्या आगे होता। येस, तो मैजिशियन के पास अपना डिज़ाइन होना बहुत अच्छा है, उसके पास डिज़ाइन होना चाहिए। जी, जो एट द अदर एंड है उसके पास में होगी वो थोड़ी अनसर्टेनिटी होगी। बिल्कुल। तो आप मैजिशियन इसलिए है कि आपके पास आपका डिज़ाइन एट द एज ऑफ 24 है, और वो जो डिज़ाइन है
वो 52 प्लेइंग कार्ड्स का नहीं है, शायद 52 इयर्स के आगे वाले करियर का है जी. थैंक यू. और जिसके पास ये डिजाइन होता है वही क्या रखना है और क्या छोड़ना है उसका सही अंदाजा लगा सकता है जी. जैसे आपने कुछ रंग आपके जिंदगी के कुछ कार्ड्स को बाहर रखे हैं, कुछ कार्ड्स को आपने अंदर रखा है, और सबसे बड़ी चीज जो आपने अंदर रखी है, आपके साथ में रखा है, रखी है, वो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के ऊपर का आपका खुद का भरोसा. और वो भरोसा क्यों ना हो आप में, क्योंकि आप खुद उसी एज में और उसी फेथ से जा रहे हैं जी. त्याने आपल्याला फार छान सांगितलं की वय ही फक्त एक संख्या असते. मला वाटतं हे वाक्य मी घेऊन जाईन या संपूर्ण सत्रामधून, की वय ही फक्त एक संख्या असते. वय हे विचारांवरती अवलंबून असतं. कोणत्याही वयातली व्यक्ती अतिशय चांगला विचार करू शकते. हा जो विश्वास आहे, विचारांवरती विश्वास ठेवू, वयावरती नाही. विचारो के ऊपर भरोसा करेंगे, उमर के ऊपर नाही. उमर चाहे 10 हो, 12, 11 हो, 12 हो, 13 हो, हे आम्हाला कळलं. आणि दुसरी खूप महत्त्वाची गोष्ट कळली की कणाकणानेच मनभर बदल होत असतो. मनभर बदल एकदम होत नाही, तर तो कणाकणाने, प्रत्येक कणाने होत असतो. आणि चेंज मेकर्स हे जितके मल्टिपल होतील तितकं चांगलं. अगर एक ही चेंज मेकर है तो उसका इम्पॅक्ट शायद कम होगा, लेकिन अगर 100 चेंज मेकर है, छोटा छोटा काम करने वाले, तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 100 चेंज मेकर 100 चेन रिएक्शंस दे सकते हैं. और ये एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई कि आपण म्हणतो की एवढं छोटं केलं नी काय होणार आहे. हां, मी काय 12 घरांमध्ये पोचलो, 200 घरांच्यामध्ये पोचलो, एवढेच लाईट्स बदलले, तर व्याप्तीवरती जाऊ नये, काम करत राहावं. छोट्या छोट्या थेंबांनीच शेवटी संपूर्ण परिवर्तनाचा समुद्र हा निर्माण होणार आहे. और इसमें विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है. और वो विश्वास आपने आज हमें दिया कि अनेक छोट्या छोट्या पावलांमधूनच शेवटी खूप मोठं शिखर हे सर होत असतं. थँक्यू सो मच राहुल.